एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सबसे टेस्टी, बनाने में इजी और पिज्ज़ा जैसा लगने वाला ब्रेकफास्ट ब्रेड पिज्ज़ा। इसमें डेली यूज़ होने वाले सामान ही यूज़ होते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा बाहर से लाना नहीं पड़ेगा और ये बच्चों को तो पसंद आएगा ही और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 6 स्लाइस ब्रेड। ये फ्रेश मलाई है दूध के ऊपर जो बनती है, हमने 1 कप मलाई लिया है। टमाटर बारीक कटे हुए, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, गाजर बारीक कटा हुआ, प्याज भी बारीक कटा हुआ। 1 उबला हुआ आलू लिया है, उसको मैश कर लिया है। धनिया, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च, पिसी काली मिर्च, ये ऑप्शनल है, नहीं चाहें तो नहीं डालेंगे। और सब्जियां भी आप जो घटाना या बढ़ाना चाहें, इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं या जो नहीं पसंद वो नहीं डालेंगे। और 2 चम्मच सूजी लिया है। तो चलिए बनाते हैं। ये मलाई में हमने सूजी मिला दिया। सारी सब्जियां डाल देंगे, प्याज, सब कुछ बारीक रहेगा तो अच्छा बनेगा। गाजर ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। शिमला मिर्च, मैश किए हुए आलू, एक आलू था मीडियम साइज का, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक 2 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई भी कम ज्यादा कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मलाई और बढ़ा सकते हैं, और बड़ों के लिए बना रहे हैं जिनको नहीं इतना खाना मलाई तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सूजी पड़ा हुआ है इसलिए इसको 10 मिनट के लिए हमको ऐसा रखना पड़ेगा जिससे सूजी पूरी फूल जाएगी। हम इस पेस्ट को बना के 10 मिनट रखेंगे, फिर ब्रेड पे लगाकर सेकेंगे। इसको 10 मिनट रख देते हैं। ये देखिए, इसको 10 मिनट तक हमने रख दिया था, इसकी जो सूजी डली थी वो फूल गई होगी। मलाई में डालेंगे तो मलाई तो वैसे ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, सारी सब्जियां हैं इसमें, इसलिए ये बहुत हेल्दी है। सब्जियां भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जियां सबसे ध्यान रखने वाला है कि सब्जियां हमें बारीक कटी हुई ही चाहिए जिससे वो अच्छे से चिपक सके ब्रेड में। इसके लिए हमने 6 स्लाइस ब्रेड लिया है। हम ब्रेड लेंगे, उसमें पेस्ट को उठाएंगे और ऐसा एक साइड ही ब्रेड में लगाना है और ऐसा फैलाते जाना है। ऐसा चारों कोनों में चले जाना चाहिए। और इसको एक तरफ ऐसे रखते जाएंगे। इसमें मलाई जितने ज्यादा डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा, वो उतना ही सुंदर सुंदर टेस्ट आएगा। हम 4 पीस तैयार कर लेते हैं। इतना पेस्ट बनाया था उसमें लगभग 8 पीस तैयार हो जाएंगे।
ये हमारे चार पीस में लग चुका है। अब हम गैस चालू करेंगे। हमने यहाँ तवे को गैस पर रख दिया है। हमने नॉन स्टिक तवा लिया है, आप चाहें तो किसी भी तवे पे बना सकते हैं, नॉन स्टिक में वो चिपकेगा नहीं। और ये वैसे डोसा तवा है, और अगर डोसे तवे में बना रहे हैं तो तेल लगाने की या घी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लोहे के तवे में बनाएंगे तो घी पहले से लगा लेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। वैसे उसमें मलाई डली हुई है तो वो घी वैसे उसका छोड़ेगी, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से घी लगाने की। अब ये तवा गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे। अब ये ब्रेड की स्लाइस को ऐसे हमने इस तरह पेस्ट को लगाया हुआ है, डायरेक्ट ऐसा डाल देंगे। हम एक साथ चार ब्रेड डाल सकते हैं, और डायरेक्ट डालेंगे तो पहले अंदर की जो सब्जियां हैं वो सब तवे में अच्छे से पक जाएंगे। थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। और हम ये लकड़ी के स्पून से यूज करेंगे तो तवा ठीक रहेगा। इसमें सारे जो सामान लगा हुआ है सब घर पे ही अवेलेबल होता है, ना हमको इसमें चीज़ की ज़रूरत है, ना मेयोनीज की ज़रूरत है, और घर पे ही ये फट से तैयार हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये सिक रहा है, इसको सिकते समय हल्के हाथों से दबा भी सकते हैं, दबाने से अच्छे से सब्जियां उसमें सेट हो जाएंगी, और ये बाहर जो निकलेगा उसको ऐसा अंदर करते जाएंगे। इसमें ऊपर भी घी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी नीचे से मलाई से जो घी छोड़ रहा है उससे ही ऊपर का भी सिक जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का सिकने लगा है, इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम में सेकेंगे। और ये देखिए एक तरफ ये सिक चुका है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसको ऐसे पलट देंगे, इसको बीच में सिम भी कर सकते हैं, और घुमाते हुए ऐसा सेक लेंगे तो चारों तरफ से ब्रेड सिक जाएगा। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। अब इसको ऐसा रख के भी 2 मिनट सेकेंगे। ये देखिए अब दूसरी तरफ भी सिक रहा है, हमने मीडियम कर दिया था, थोड़ा सा और सेकेंगे, अभी 1 ही मिनट हुआ था। ये देखिए ये दूसरी साइड से भी सिक चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका सारा मटेरियल हमको घर पे ही मिल जाता है, तुरंत जब भी मन करे तब बना सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल पिज्जा जैसा लगता है और बच्चों को बहुत पसंद होता है। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को इसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो मैं हमेशा इसको बनाती हूँ। आप भी जब मन करे जल्दी जल्दी बना सकते हैं। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है, और इसको बीच से ऐसा ट्रायंगल कट कर लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी है, ये पीछे से भी ब्राउन है तो पीछे से क्रिस्पी हो गया है। सारे ऐसे काट लेंगे। और इसको गर्मा गर्म सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें।
बच्चों को बहुत पसंद आएगा, घर में आप जरूर ट्राई करें। तो लीजिए तैयार है ब्रेड पिज्ज़ा, इसे चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, बाय बाय।